हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में प्रत्यय से बने नए शब्द को बनाना सिखाएंगे। तो बच्चों, इसके आगे मैंने प्रत्यय चैप्टर को पढ़ा दिए हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, हम इस वीडियो में आपको प्रत्यय से शब्द बनाना सिखाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में प्रत्यय से शब्द बनाने दिया जाता है, अधिकतर दो दो शब्द बनाने दिया जाता है, तो हम आपको इस वीडियो में तीन तीन शब्द बनाना सिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं वे शब्दांश हैं। बच्चों, यहाँ पर प्रत्यय को शब्दांश इसलिए कहा गया है कि प्रत्यय कोई शब्द नहीं है बल्कि शब्द का अंश है। जिस प्रकार उपसर्ग भी एक शब्दांश है, कोई शब्द ना होकर के शब्दांश है, तो प्रत्यय वे शब्दांश है जिन्हें जिन्हें शब्द के अंत में लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। यानी बच्चों, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगाया जाता है, और प्रत्यय क्या होता है बच्चों, शब्द के पीछे लगाया जाता है, यानी शब्द के अंत में, कोई भी मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो चलिए, हम आपको प्रत्यय से नया शब्द बनाना सिखाते हैं। प्रत्यय यहाँ नीचे हम प्रत्यय लिखेंगे और उससे बने नए शब्द को आपको हम सिखाएंगे। नए बने शब्द, नए बने शब्द, ठीक है। तो चलिए, हम प्रत्यय ले लेते हैं ता। क्या प्रत्यय लिए? ता। तो ता से हम बना देते हैं सुंदरता, सुंदरता। जब आप प्रत्यय से शब्द बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ता पीछे जाएगा, क्योंकि प्रत्यय में कहा गया है कि शब्द के पीछे लगता है। तो सुंदर क्या है? सुंदर एक शब्द है और ये प्रत्यय ता हम पीछे जोड़ दिए। सुंदरता, योग्यता, योग्यता, और एक लिख दे रहे लिखता, ठीक है, लिखता, पढ़ता, खेलता, सभी ता प्रत्यय से बने शब्द होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रत्यय लेते हैं ईद। प्रत्यय ले लेते हैं ईद। अब इससे शब्द बनाएंगे शिक्षित, शिक्षित, सीमित, लिखित, लिखित, ठीक है। अब हम प्रत्यय लेते हैं एक। एक प्रत्यय है और इससे हम नया शब्द बनाएंगे धार्मिक, धार्मिक, नैतिक, नैतिकता है, ठीक है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब हम प्रत्यय ले लेते हैं वान।
क्या प्रत्यय लिए? वान, ठीक है। और इससे हम नए शब्द बनाएंगे, गुणवान। और बना लेते हैं धनवान, बलवान। अब और एक प्रत्यय लेते हैं, वती। क्या प्रत्यय लिए? वती। तो चलिए इससे हम शब्द बनाते हैं, गुणवती, गुणवती, धनवती, वलवती। अब नेक्स्ट प्रत्यय ले लेते हैं हम, त्वा। आधाता में वा, त्वा। चलिए बनाते हैं नए शब्द, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व। ठीक है। अब और एक प्रत्यय लेते हैं, आकू। क्या प्रत्यय लिए हम? आकू। पढ़ाकू शब्द बनाते हैं नया, पढ़ाकू, लड़ाकू, और एक ले लेते हलाकू। हल जोड़ आकू, हलाकू। ठीक है। और एक प्रत्यय लेते हैं, ईन। क्या प्रत्यय लिए? ईन। तो चलिए इससे नए शब्द बनाते हैं, रंगीन। क्या बनाए? रंगीन, संगीन। क्या नया शब्द बन गया बच्चों? संगीन। और एक बना लेते हैं, नमकीन। क्या बना दिए? नमकीन। चलिए और एक प्रत्यय ले लेते हैं, ई। ई प्रत्यय, ठीक है। तो चलिए इससे हम नए शब्द बनाते हैं, लंबाई, ऊंचाई। और एक ले लेते हैं, चढ़ाई। ठीक है। ई प्रत्यय से बना दिए हम, और एक प्रत्यय हम लेते हैं, आई। क्या प्रत्यय लेंगे? आई। इससे शब्द बनाते हैं, लिखाई, लिखाई। लिख हो जाएगा मूल शब्द और आई हो जाएगा प्रत्यय। लिखाई, पढ़ाई, पढ़ाई। और एक ले लेते हैं, लड़ाई। लड़ाई। तो बच्चों इस प्रकार से हम प्रत्यय से नए शब्द का निर्माण करते हैं, नया शब्द बनाते हैं। तो बच्चों अगर आपको प्रत्यय से शब्द बनाना आ गया, मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।